राम राम सब भाइयों को। मैं थारा भाई शिवा चौधरी, शिवा मलिक जाट यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाई बहन का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सभी भाई ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे भाई हम, जो हरियाणा में एक बहुत दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। एक बहुत बड़े नेता की हत्या कर दी गई गोलियों से भून गए उनकी फॉर्चुनर गाड़ी में। उनके साथ तीन सिक्योरिटी गार्ड भी थे, गनर थे, जिनमें से एक की डेथ हो गई और इस नेता की डेथ हो गई भाई। नेता का नाम था नफे सिंह, बहुत बड़े नेता थे, बहुत अच्छे और मतलब काफ़ी पुराने नेता थे। दो बार विधायक भी रह चुके INLD से, INLD के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। ओम प्रकाश चौटाला जी की जो पार्टी है हरियाणा की सबसे बड़ी पार्टी पूर्व में, इस फिलहाल तो नहीं है, तोड़ गए दुष्यंत चौटाला ने, अधिंगा कर दी थी अधिंगा, लेकिन वो बात छोड़ दो फिलहाल। ये देखो हरियाणा में कितना बुरा जंगल राज चला हुआ है। मतलब फॉर्चुनर गाड़ी में तीन उनके साथ गनर भी थे, खुद के पास भी उनके पास गन थी, लेकिन भाई इतना भी मौका नहीं मिला कि वे बचाव कर सके, अपने बचाव में फायर कर सके। और फॉर्चुनर गाड़ी के सामने एकदम से I-20 गाड़ी आई, I-20 में से 5 आदमी उतरे और सीधी फायरिंग कर दी, बुरी हाल कर गए। मतलब शीशे विशे सारे फूट गए और खिड़कियों में भी किडाड़ गोली लगी हुई है। एक बार यह वीडियो देखो फिर आगे की बात करते हैं। वीडियो में देखो कैसे गाड़ी छलनी बना रखी है। हाँ, 4 बंदों को मिले हैं जी, जल्दी आओ भाई, बड़ा ही फटक। तू क्या कर रहे है? हम को जाने दे, साइड कर ले। तो ये वीडियो देख ही ली होगी मेरे भैया, ये वीडियो उसी टाइम की है जब उन्होंने हमला करा, उसके बाद की। वहाँ के लोग बाग उन्होंने गाड़ी के शीशे खिड़की खोल ली और फिर इन्हें ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जहाँ इलाज के दौरान नफे सिंह जी की मौत होगी। प्रदेश अध्यक्ष थे भाई इन्होंने, फिलहाल DGP, गृह मंत्री और मतलब जितने भी बड़े बड़े अधिकारी लेवल के थे पुलिस महकमे में या भाई क्या बोल लग रहा है सरकार में, सबके पास चिट्ठी भेजी थी कि मेरी जान को खतरा है, मुझे सुरक्षा दी जाए। इनके पास इनकी कोई सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई गई, जो इनकी पर्सनल सिक्योरिटी थी इनके पास पहले ही थी, वही सिक्योरिटी थी, इससे एक्स्ट्रा कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई। इब सरकार कह रही है कि हम नू करेंगे, जाँच करेंगे और भाई गिरफ्तार करेंगे जल्द से जल्द। मतलब होने के बाद तो फिर तुम सबूत इकट्ठे करते फिर जाओ भाई नू कर देंगे, आदमी तो चला गया तो उसका कुछ नहीं हो सकता। हर हत्याकांड में पता नहीं है मतलब क्या मामला हो रहा क्या नहीं, सिर्फ सीधा लॉरेंस बिश्नोई का नाम जुड़ जा, पता नहीं सही है नहीं है। इस हत्या में भाई लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया है कि कुछ प्रॉपर्टी का लेने देने का मामला था कि उसने हत्या करवाई है, और अभी जांच में सामने आ जाएगा, अगले वाली वीडियो में सारी डिटेल बता देंगे। लेकिन भाई बहुत कद्दावर नेता थे हरियाणा के, हरियाणा में पूरा जंगल राज चला हुआ है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं इस खट्टर सरकार में, BJP सरकार में। ये देखो जब नेता सुरक्षित नहीं है इतने बड़े, तो आम आदमी के सुरक्षित होंगे? जब अपनी सिक्योरिटी के साथ फॉर्चुनर गाड़ी में भाई दो बार के विधायक INLD के प्रदेश अध्यक्ष फिलहाल के, उनकी हत्या कर दी गई, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, पूरा हरियाणा सील कर रखा है, जगह जगह चेकिंग चल रही है तकड़ी कि मतलब ये I-20 I-10 गाड़ी थी कि कौन थे मारने वाले, जल्दी खुलासा हो जाएगा। वैसे इतने बड़े आदमी की हत्या कर दी गई, लेकिन भाई बहुत दुख की बात है, बहुत अच्छे नेता और बहुत कद्दावर नेता थे ओम प्रकाश चौटाला जी की पार्टी के, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे और इस दुख की घड़ी में घर वालों को दुख सहन करने की शक्ति दे। राम राम सब भाई को, जय जवान जय किसान। और INLD पार्टी जिंदाबाद मेरे भाई, बहुत बढ़िया पार्टी INLD। मैं उनको इस टाइम पे जो दुष्यंत चौटाला लगना होता ना इनमें हो जाता, एक नंबर का मामला था, पर लेकिन वो यह गद्दार हर परिवार में हो जा, छोड़ो वह चीज़ अलग है, इस टाइम पर बात नहीं करते।